हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ दिन बाद मैंने राजहंस भी डालने हैं। ये देखिए, राजहंस का है, एक दो तीन चार ठो मादी है और एक ठो नर है, मतलब चार फीमेल और एक मेल है अपने पास। और इसमें भी टर्की भी है। टर्की में अपने पास एक दो तीन चार पाँच पाँच फीमेल हैं और दो मेल है। देखिए दोनों का साइज़ कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। ये देखिए, टर्की घास खाते हुए और राजहंस लोग घास खा चुके हैं। पीछे जो आवाज़ आ रहा है वो चीनी मुर्गी का आवाज़ है। चीनी मुर्गी भी रखा हुआ है मैंने, वाइट पैकिंग बतख रखा हुआ है और खाकी कैंपल बतख भी है। इसमें प्लस ये है कि मेरे पास तालाब है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तालाब के ऊपर इनको रखने का जगह बनाया जा रहा है। ये देखिए, तो ये जब भूसा खाएंगे और लेटरिन करेंगे तो फिर ये तालाब के नीचे गिरेगा और मछलियाँ उसको खाएंगी। और मछलियाँ जो रहेंगी, इनको इनको बतख प्रजाति के जितने हैं पानी के अंदर तभी जाएंगे। बताता हूँ एक मिनट के लिए। ये देखिए, मेरे पास दो जर्मन शेफर्ड पीछे गार्ड के लिए, एक सिंगल कोट का और एक डबल कोट की। ठीक है, ये मेरा छोटा सा नर्सरी है, आप देख लीजिए अच्छे से। हाँ, तो मैं बोल रहा था, ये पहले जाली लगेगा इसके ऊपर में, बच्चे जाली, मछली के बच्चे जो हैं वो जाली रख करके जाली के अंदर पलेंगे और जब ये 100 100 ग्राम आसपास हो जाएंगे तब मैं उनको छोड़ूंगा बाहर। उससे क्या होगा कि बतख जब मछली छोटा रहेगा तो उसको नहीं खा पाएगा, और अगर वो उसको नहीं खा पाएगा और जब 100 100 ग्राम के हो जाएंगे तो फिर छोड़ने से मछलियाँ अपना जान बचा लेंगे बतख लोग से। ठीक है, और इसमें प्लस ये है कि रात को, जैसे कि ये अपन कॉलम दिए हुए हैं उसके ऊपर में ये लोग रहेंगे, तो दिन भर का खाया रात में मल करेंगे तो वो मछली लोगों के काम आ जाएगा। और मछली जो गंदगी करेगी, कीट पतंगे होंगे, उसको जाली के अंदर तो जा नहीं पाएंगे ये लोग, जो कि मच्छरदानी जाली, उसका भी अपडेट मैं दूंगा आपको किस टाइप का है कैसे है। और हाँ, तो जब जाली के अंदर छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो बतख उसके जाली के अंदर घुस नहीं पाएंगे, और जब वो 100 ग्राम 150 ग्राम आसपास के हो जाएंगे उसके बाद जब छोड़ दिया जाएगा तो बतख उसको पकड़ भी नहीं पाएगा। इससे क्या है, एक सिस्टम होगा, हाँ, कि मछली भी रह जाएगा और बतख भी रह जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो तालाब को अपन घेराबंदी कर देंगे। हाँ, तालाब घेराबंदी हो जाएगा जाली के साथ में पूरा। उसको मैं बिना दिखाए आपको नहीं बता सकता, बहुत लोग समझेंगे बहुत लोग नहीं समझेंगे, तो वो जब बन जाएगा तब उसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, देखिए टर्की, ये टर्की एक टाइम अपने से खाना, अच्छा मैं खाना के बारे में बता रहा था, वो बीच में मेरा लेबर जो है वो कहीं काम कर रहा था तो बालू भी डालने के लिए बोल रहा था। ये देखिए, मैं अभी फिश फार्मिंग में मछली उछली का भी बना रहा हूँ तो बालू कहाँ डालू करके पूछ रहा था। तो इनका खाना खर्चा भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, एक टाइम ये पूरा चर के खा लेते हैं, है ना, एक टाइम ये पूरा चर के खाते हैं। और सेकंड टाइम में मैं इनको क्या दाना देता हूँ, मिक्स दाना देता हूँ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। दाना कॉस्टिंग भी बहुत कम है। टर्की मेरे पास पांच फीमेल हैं जिसमें से चार अंडे कंटिन्यू मेरे को मिलते हैं, और अभी काफ़ी अंडे हो गए हैं, करीबन 150 200 से ऊपर अंडे हो गए हैं अभी इनका अंडा आना। अभी राजहंस अंडे शुरू नहीं किए हैं, जो कि अभी शायद ये लोग सेमी एडल्ट से एडल्ट होने की कगार पे हैं। मैंने इसके मदर फादर को सेल कर दिया था। ये देख रहे हैं, सोलर भी लगा हुआ है। चलिए मैं आपको कुछ मछली के बारे में बता दूं। अभी इनका बाल झड़ गया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेंटेन नहीं है, अभी बाल वाल झड़ेगा फिर नए बाल आएंगे तो और खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, जो कि मेरा टंकी लगभग आज तैयार हो गया है, अब बाहर बाहर छबाई चलेगा। उसके बाद इस पे जो काम मैं करूँगा वो दर्शाऊँगा मैं आपको। ये प्लेटफॉर्म है और ये नीचे का एरिया है, ये वाला तो नीचे का एरिया इसलिए है, डीप है,
वाटर लेवल से डीप है, दिखाता हूँ आपको। वो वहाँ पर नीचे मिट्टी रहेगा, ऊपर में ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके फिर उसमें पानी। और अपन ये सोचे हैं इसको दांता वाँता निकाले हैं, ऐसा दांता निकालने का मतलब ये है कि यहाँ से भविष्य में कभी भी अपन एक टंकी लगा दिए, एक टंकी ये लगा दिए है ना, और ये वाला एरिया अभी फ़िलहाल इस एरिया में शेड बनेगा, ऐसा करके ऊपर से लेकर के पूरा इधर से शेड बनेगा। शेड बनने के बाद यहाँ एक मेन गेट लग जाएगा जिसमें कि टर्की लोग शाम को रात को रह जाएंगे आराम से। और ऊपर में इसके जाली लग जाएगा जिसमें शायद मैं कुछ बटेर रख सकता हूँ, बतख रख सकता हूँ या ये रख सकता हूँ। वो तो मेरा ट्रायल वर्जन रहेगा, मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मैंने ट्रेनिंग तो किया नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जितना समझ में है उतना करते हैं है ना, कुछ स्पेशली ऐसा है बोल के नहीं है। ये देखिए मैंने 3 इंची पे ये वाल सॉकेट लगाया है, अभी इसमें ओवरफ्लो पाइप लगना बाकी है ना। ये जब हवा वा आता है तो काफ़ी ज़ोर से चमक जाते हैं। अभी फ़िलहाल ये यहीं रहते हैं। टर्की का अलग से रूम है। यहाँ पे देखिए कितने हैं, ये एक्चुअल में अभी काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बोल करके मैंने इनको अंदर में एक टाइम खोला था, उसके बाद दाना पानी दे करके अभी इनको थोड़ा अंदर कर दिया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़ोर से हल्ला करेंगे और बहुत दौड़ा भागी करते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो अभी एक ही टाइम छोड़ा जा रहा है। अब इसके ऊपर में चहली वहली लगेगा, कैसे कैसे क्या क्या जाली उली बनेगा सब आपको बताऊँगा, ठीक है। ये एक चीज़ बना रखा है जिसके लिए स्पेशली आपको मैं बताऊंगा, ये मेरे घर का कुछ पानी आता है, जैसे कि ये नाली है, ये नाली, और इसमें जब अपन हाथ पैर धोते हैं बरसात होता है तो इसके माध्यम से ऐसे करके ये पूरे तालाब में चला जाता है तो गंदा हो जाता है, इसीलिए इस टंकी को बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ से पाइप बीच से कट हो जाएगा ऐसे है ना, अब यहाँ बोरा लग जाएगा और वो पानी नीचे भर जाएगा पूरा और बोरे में पूरी गंदगी आ जाएगी, उसके बाद ये ओवरफ्लो हो जाएगा, सिर्फ पानी निकल जाएगा और जो सीमेंट बालू गिट्टी रहती जो भी है वो मैं वेस्टेज मटेरियल निकाल लूँगा। वो पिछले कुछ सालों से, जैसे 4-5 सालों से मैं समझ नहीं पाया था तो तालाब मेरा भर गया था, बहुत सारा कफ निकला जिसको अपन रफ मिट्टी बोलेंगे, जिससे पटा गया था मेरा तालाब। तो अभी जब खाली हुआ तो पता चला कि हाँ ये क्यों हुआ बोल करके, तो उसी चीज़ के लिए अचानक से मेरे दिमाग में आया और इसको किया मैं, इससे यहीं यहीं सफाई हो जाएगी और तालाब में ज़्यादा गंदगी नहीं जा पाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आइए कुछ शॉर्टकट में दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पॉलिश का, ये मेल है जो दाना चुग रहा है। बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन कीजिए है ना, बताएंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।